क्या बोलती नागपुर की पब्लिक, एक नंबर। रुको जरा, सबर करो, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है भाव। मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, जो इंतजार किया है इन्होंने और जो इंतजार का फल ही नहीं मिला है, मजा आ गया। तो भाऊ, हम लोगों ने ना एक चीज की आपके स्वागत के लिए बनाया था हम लोगों ने, पता नहीं इनके हाथ में मोबाइल है फिर भी करते हैं। गच्चा गच्चर गच्चा गच्चर गच्चा गच्चर गच्चा गच्चर गच्चा गच्चर गच्चा गच्चर, ये था सच। पर भाऊ एक चीज ना, हम लोगों ने जब स्पेशल आपके लिए सोची थी तो हम ये लोगों के भी मन में कुछ रहेगा ना कि उधर कुछ करने का, भाऊ आएगा तो हमारे लिए कुछ तो करेगा ना, तो इनका एक ख्वाहिश है, एक गाना पीछे से बनने वाला है, तो बस हाथ भी हिला दिया आपने उस गाने में तो मजा आएगा। डीजे वाले भाऊ, भाऊ का गाना बजा दो। अभी आया क्या भेजे में मुंबई में का बात, ये तो सिर्फ एक छोटा सा एपिसोड था, पूरा वेब सीरीज डाल देगा मैं। ये तो हम सब ने गानों में सुना है। क्या बोलते हैं पब्लिक, भाऊ को दे दूं माइक, करोगे बात, मानोगे बात? भाऊ बहुत ज्यादा एक्साइटेड है सब लोग आपको सुनने के लिए, तो मैं ज्यादा इन्हें और बेचैन नहीं कर सकता। तो आप सबके प्यारे हिंदुस्तानी क्या बोलती नागपुर की पब्लिक, एक नंबर। जैसा नागपुर इतना खूबसूरत है, आप लोग भी इतने खूबसूरत है। कड़क कड़क कड़क, रुको जरा सबर करो, बोला ना धक्का बुक्की करने का नहीं, लाइन से आने का, लाइन से लेने का, वरना नागपुर की पब्लिक कैसा लेती है, एक नंबर। अब इसके बाद खचाखच चालू करेंगे, हाँ, नया डायलॉग, एक नंबर एक नंबर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके मनोज भाई और ओशन भाई, इन्होंने मेरे नागपुर के फैमिली से मेरे को मिलाया, इसके लिए उनका धन्यवाद। बहुत कम मौका मिलता है मेरे को, मैं हर स्टेट में जाता हूँ, हर स्टेट में, और हर स्टेट में आप लोगों की, मेरे माता बहनों की दुआएं, आप जैसे भाइयों की दुआएं मिलती है, इसके वजह से भाऊ बोल सकता है। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि भाऊ पहले जैसा वीडियो बनाता नहीं, देखो ए ए, ए बाउंसर बाउंसर ओ बाउंसर, सुनो यही मेरी दुनिया, ये मेरी दौलत है, समझा? तो आप लोग भी उनको सपोर्ट करो, धक्का बुक्की जिसको देना है उसको देंगे ना, इधर अपने अपनों की भाव नहीं लेता है, उनकी लेता है। हाँ, लेंगे लेंगे। तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाऊ पहले जैसा वीडियो बनाता नहीं, क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि जब वहां के यूट्यूबर थे जो मेरे देश के खिलाफ बोलते थे, मेरे देश के लोगों को बोलते थे, मेरे तिरंगा का अपमान करते थे, तो उन लोग की नारियल कुरकुरे सब खिला के ले लिया, ऐसा है। तो अभी उन लोग ने मेरे देश के खिलाफ बोलना छोड़ दिया, मेरे देश के लोगों के खिलाफ बोलना छोड़ दिया, मेरा तिरंगा का अपमान करना छोड़ दिया, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि किसी के मां बहन को गाली दो।